हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट क्लासेस। आज हम अपनी मैथ की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल एरिया, और एरिया पढ़ने के बाद में हम इसके बाद में वॉल्यूम वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वॉल्यूम में हम पढ़ने वाले दोस्तों, आपने अक्सर पढ़ा होगा आयत। देखो मैं लिख देता हूँ वन बाई वन। पहला है आयत, उसके बाद में है वर्ग, उसके बाद में चतुर्भुज, और तीसरा आता है इसमें त्रिभुज, चौथा आता वृत्त, और वृत्त के अंदर भी वृत्त वृत्त के जो भाग है जैसे सकेंद्रीय वृत्त, त्रिज्याखंड वगैरह जो भी बचते हैं वो त्रिभुज के अंदर भी ऑल टाइप के सारे त्रिभुज आ जाएंगे। और जो वॉल्यूम है उसके अंदर इन्हीं से अगर कोई ठोस आकृति बनती है तो वॉल्यूम के अंदर वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो उन सबसे पहले हमें एक एक चीज़ों को पढ़ना है। अक्सर हमारे क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में इनके फॉर्मूला भूल जाते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से निकाला जाए, कौन से का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे त्रिभुज के अंदर ही बहुत सारे त्रिभुज होते हैं तो आप लोग भूल जाते हो। अब आपको मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप एक भी नहीं भूलोगे। हम क्या अक्सर सूत्र याद करते हैं दोस्तों, डायग्राम के अंदर ही सूत्र होता है। त्रिभुज के सारे सूत्र अगर आपको याद करने तो केवल आप एक समकोण त्रिभुज अच्छे से पढ़ लो। पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इनके बारे में। समकोण त्रिभुज अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती है, सारे सूत्र अपने आप निकल जाते हैं। यहाँ अगर आप आयत अच्छे से पढ़ लो, और आयत के अंदर भी फिर समकोण लगता है, वर्ग के अंदर भी समकोण लगता है, और आयत और वर्ग से फिर सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज बनते हैं, समलम चतुर्भुज बनता है। तो वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और एक एक को क्लियर करते जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो इस क्लास को अपने और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ भी जुड़ जाओ। अगर आपने पीछे वाली मैथ्स की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2019 नाम से, जिसमें मैथ्स लिखा हुआ है, जिसमें अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा दिया है जो ब्याज वगैरह आपके। और अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों वन बाई वन आप सबसे पहले इसमें लगा लो, एकदम ईजी आकृति से हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो इतने दिन हम पढ़ते थे, जो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से घिरी आकृति, ये सब तो हम जानते हैं। रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होता है, ये तो बेसिक सी बातें हैं, और यहाँ से एग्जाम में कुछ आता भी नहीं है। अपने आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, और लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, और सबको पढ़ने के बाद में हम लगेंगे मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्या होने लगे कि मिक्स क्वेश्चन आने लगे। क्वेश्चन कैसे होते हैं, किसी वर्ग था या कोई आयत था, उसकी जो परिधि थी उससे एक सर्किल बना लिया तो मिक्स क्वेश्चन हो गए। किसी भी वर्ग आयत के अंदर त्रिभुज आ जाएगा, इस प्रकार से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो हम सारे मिक्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो वन बाई वन चलते हैं, और आप सबसे पहले लगा लीजिए वर्ग। एक नंबर पर वर्ग लगा लीजिए। तो वर्ग की छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसका डायग्राम अगर आपको बनाना है, देखिए आपको फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें बेसिक और ये आती होगी, लेकिन इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से हम फिर घन और घनाभ बनाएंगे जो नेक्स्ट अपनी वॉल्यूम वाली क्लास होगी उसके अंदर। तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ये अपना वर्ग, तो वर्ग की ये डेफिनेशन होती है कि इसकी चारों भुजाएँ क्या होती है, एक समान होती है। यदि मान लो मैं बोल दूँ था ये भुजा ए है तो बाकी सारी भुजा भी क्या होगी, इसकी ए ही होगी। यानी कि एक भुजा की माप चारों भुजा की माप बराबर होती है इसमें। और ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर जो सारे के सारे कोण होते हैं, और सारे कोण होते कितने आपको भी पता है, चार ही कोण होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसके सूत्र बनाते हैं। हम सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें, इसका क्षेत्रफल पूछते हैं। अब कहीं से बहुत ही एकदम लेवल से लेते कि ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, रटते दिन रात। अरे रटते क्यों भाई, आपको पता है जब भी एक चौकोर आकृति चतुर्भुजाकार आकृति आती है तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं हम। और आपको पता है इसके अंदर ये मान लो बी चौड़ाई, मान लो चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये मान लो इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो आपको करना क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ए स्क्वायर निकलता कहाँ से, आपने मान लिया कि ये भुजा एक्स है तो ये भी क्या होगी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये भुजा आपने ए ए मानी है तो आप लिखोगे लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। बस रटने की कहाँ आवश्यकता है, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, वर्ग का क्षेत्रफल बोलते हो। बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के आएगी, जहाँ से एग्जाम में आता है वो चीज़ें भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अब आता है एक परिमाप।
या हम इसे बोलते हैं परिमिति, और वृत्त में इसी को हम बोलते हैं परिधि। तो जरूरी नहीं तीनों नाम एक ही कहीं पर भी आ सकते हैं। सभी भुजाओं का योग कर दो, वही क्या होता है, परिमाप होता है। फिर इसको याद करने का तरीका 4a 4a, क्या होता है इसका, परिमाप होता है। लेकिन ये नहीं याद करना आपको, आपको याद क्या करना दोस्तों, आपको पता है कि सभी भुजाओं का योग ही क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे, पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी ए है, और चौथी भुजा भी ए है। तो आप इसे क्या लिखोगे, चार बार क्या आया, ए। ये लो, हो गया परमानेंटली याद। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। भुजाओं का योगी क्या होता है, इसका परिमाप होता है। चलो आगे थोड़ी सी इसके अंदर विकर्ण की हम बातें करें, तो एक बार इसके विकर्ण देख लेते हैं। तो मैं इस नंबर को यहाँ से मिटा रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बनता है कि विकर्ण देकर हमें क्षेत्रफल पूछता है। क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा बिना किसी दिक्कत के। तो देखो दोस्तों, मैंने ये डाल दिया एक, ये थोड़ा सा लहरदार बन गया अपना, ये लो एक विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, बंद आकृति में आमने सामने की, आमने सामने की भुजा, जो आमने सामने के कोने होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या होती है, विकर्ण होती है। ये मैंने विकर्ण बना दिया, तो विकर्ण से भी फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो आगे वैसे काम में आएगी, आपकी त्रिभुज बढ़ाऊंगा तब आप पूरा पढ़ोगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूं थोड़ा सा कि एक आपके काम में आता है हर जगह समकोण, और ये समकोण क्या है। एक क्लास ऐसी भी होगी जिसमें मैं सारे कोण के बारे में आपको बता दूंगा बिना किसी दिक्कत के, और इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस क्लास का, तो आपकी ये भी दिक्कत नहीं रहेगी क्या समकोण होता है, क्या वृत्त कोण होता है, छोटा कोण, बड़ा कोण क्या होता है, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा बिना किसी दिक्कत के, बस आप समझते चलिए। समकोण होता है ना, समकोण बोलते हैं कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, और त्रिभुज होता है ना, कोई भी त्रिभुज है आपके पास, तो त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण का मतलब होता है जो अंदर वाले कोण होते हैं, उन सब कोणों का मान कितना हो सकता है, 180 हो सकता है, हो सकता नहीं 180 ही होता है, 180 से ज़्यादा नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज बनता है जिसमें एक न एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। जैसे दोस्तों मैंने ये एक लाइन खींची, तो ये मेरे पास कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये मेरे पास एक समकोण है, और मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, ये बाकी दो कोण कितने भी हो सकते हैं। और किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का आ गया, तो बाकी दो कोण 90 से छोटे ही होंगे, कोई सा भी कोण 90 से बड़ा नहीं होगा। फिर भी आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, किसी के मन में अभी भी डाउट आ रहा होगा कि यार कैसे, तो देखो कैसे। मान लो आपने एक सीधी लाइन बनाई, और आप बना रहे हो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, और आपने फिर एक सीधी लाइन बनाकर यहाँ बना दिया 90 डिग्री का कोण। अब बताओ मिलाने के लिए हमारे पास बचा क्या, अगर ये लाइन बनाते तो चतुर्भुज बन गया, तो हमें तो बनाना क्या था, हमें त्रिभुज बनाना था, और त्रिभुज में तीन ही भुजाएं काम में आती, त्रिभुज तीन भुजाएं काम में आती, तीनों भुजा होगी। अब आप देख सकते हो क्या एक कोण के अलावा दूसरा कोण 90 का हो सकता है, जी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। आगे देखिए, तो ये समकोण होता है, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का, और कहीं ना कहीं इसमें भी एक क्या बन रहा है आपके पास, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ से कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर दोस्तों ये वर्ग है और ये दोनों कोण भी 90 है, तो आप खुद ही बता सकते हो कि भाई ये 45 होगा और ये 45 होगा, क्योंकि सारी भुजाएं समान है, इसका विकर्ण हमने डाल दिया, कोण भी सारे समान है, तो इस कोण का आधा कितना हुआ, 45 हुआ। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज निकल कर आता है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये अपने पास निकल कर आता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया समकोण। इस एक ही में आप आराम से चीज़ों को पढ़ लो, आप सोचोगे कि इस इतने से के बारे में हम इतना डिटेल से क्यों बता रहे हो। दोस्तों आगे बहुत ही काम में आएगी ये चीज़ें, जब आप आगे वाले डायग्राम्स पढ़ोगे उनमें बहुत ही सरलता से आप कर पाओगे। अच्छा है कि यहीं आप इसको बढ़िया से समझ लो। अब ये आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया, और आपको बोल दिया कि इसका विकर्ण ज्ञात करो, इसका विकर्ण क्या होगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका विकर्ण को मान लो मैं लिखता हूं के, आधार को लिख देता हूं ए, और लंब को लिख देता हूं एल। तो मैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करूंगा ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये क्या होती है, पाइथागोरस। ये प्रमेय होती है, एक पाइथागोरस प्रमेय।
और किसी भी दो भुजा, कोई भी दो भुजा आपको दी हो तो आप तीसरी भुजा इससे निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखो, मैं इस करण को मान लेता हूँ, विकर्ण को करण बोल देता हूँ, लिख देता हूँ के, ये आधार बन गया और इस आधार को लिखता हूँ मैं बड़ा ए से, और ये मेरे पास लंब है और इसको मैंने लिख दिया मान लो बी से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको पता है विकर्ण के बारे में अगले ने हमसे पूछा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और विकर्ण हमारे करण के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ करण का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर। लंब को मैंने क्या लिखा, बी, चलो मैं एल से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो, एल का स्क्वायर प्लस ए आधार का स्क्वायर। और आपको पता है कि आपका लंब क्या है, यहाँ पे दोस्तों लंब क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस, और आपके पास आधार क्या है, यहाँ आधार भी ए है, तो आपने लिखा ए का स्क्वायर, और इधर लिखा आपने विकर्ण या करण का स्क्वायर। आपको पता है ए और ए मिलकर क्या बन गए, टू ए और स्क्वायर ए से कैसे, आगे बात समझ में, आपने लिख दिया टू ए और यहाँ पर लिखा के, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा। और आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू, और ए स्क्वायर रूट टू लिख सकता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों। अब आप क्या लिखोगे, आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर अपने पास निकल कर क्या आता है, रूट के अंदर दो निकल कर आता है, और यहाँ पर क्या निकल कर आता है, ए, केवल ए। इतनी सी बात समझना, बस ये था इम्पोर्टेंट आपके लिए। जब भी आपको, देखो छोटा सा क्वेश्चन करके आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, जब भी आपको पूछेगा कि वर्ग, आपके पास एक वर्ग है, क्वेश्चन आगे कैसे बनते हैं वो बाद की बात है, पहले आप देखिए कि आपके पास एक वर्ग है और उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, आपको पूछ लिया उसका विकर्ण बताओ कितना होगा, बहुत समय नहीं लगाना है, करण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कुछ नहीं लगाना दोस्तों, क्यों नहीं लगाना है, पहले ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखते ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भुजा के रूट टू लगा दो, वही क्या होता है, विकर्ण होता है अपना। और यहाँ पर दोस्तों अपने पास क्या निकल कर आया, 10√2, ये निकल कर आया क्या दोस्तों, नहीं समझ में नहीं आया तो इसको मिटाओ। आपको करना है करण, आपको विकर्ण निकालना है, तो आपको पता लंब का स्क्वायर भी 10 का स्क्वायर होगा, प्लस आधार का स्क्वायर भी कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा, और आप देखते हो कि यहाँ पर कितना हुआ, 100 + 100 हुआ, और आप इसको क्या बोलोगे, 200 बोलोगे, और यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि के का मान निकालना आपको, तो के यानी विकर्ण, और इसको रूट को सोल्व कैसे करते, कोई दो ऐसी संख्या लो जो एक जैसी हो जिससे 200 बन जाए, तो ऐसे नहीं आता। तो देखो दोस्तों इसका एक शॉर्टकट होता है, ये रूट में है ना 200, तो इसका आप गुणनखंड कर लो, पहले लगाओ इसमें 2 का भाग आए 100, फिर लगाओ 2 का भाग आए 50, फिर लगाओ 2 का भाग आए कितने दोस्तों, 2 का भाग आपने लगाया, आपके पास कितने आए 25, फिर आपने लगाया 5 का भाग, फिर आए 5, और फिर आपने लगाया 5 का भाग और आए 1, और ये रूट में है ना दोस्तों, तो ये सारी रूट में होती है। अब एक यहाँ से छोटा सा नियम आपको बता देता हूँ, दो एक जैसी संख्या यदि रूट के अंदर है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है। यहाँ पर देखो रूट दो और रूट दो, तो एक दो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर रूट दो अकेला बचा, इसको ऐसे कैसे लिख दो रूट दो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। और 5 और 5 फिर रूट के अंदर है दोनों, तो यहाँ पर 1 5 अपने पास बाहर निकल जाएगा, और बाहर क्या है, 5 × 2 = 10, और ये 10 और ये यहाँ पर क्या बचा, रूट दो, यही आपका उत्तर था। मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है ना पूरा आराम से, चलो दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आया दोस्तों, अब आपको तुरंत पूछे कि भाई जल्दी से बताओ कि यदि एक वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण क्या होगा, बोल देना 5√2, आ गया विकर्ण। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, देखो ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो देख रहे हैं, हमें कितना लंबा चौड़ा बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी चीज़ है, क्षेत्र मिति ऐसा भाग है गणित का, जो हर आपके कोई से भी आप एग्ज़ाम दो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से इसके मिलते हैं, इसलिए आप इसको धीरे धीरे पढ़ोगे। आगे वाली चीज़ें हैं ना, जहाँ वॉल्यूम में आप लोग बोलते हो कि सर हमें इनके सूत्र याद नहीं होते, आराम से याद होंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ते हो तो, क्योंकि ये तुरंत दिमाग में आएगी तो सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। यहाँ से एक रिलेशन और निकलता है, वो रिलेशन देखो, एक डायग्राम पढ़ लो लेकिन ऐसा पढ़ो कि दोबारा उसको पढ़ना नहीं पड़े।
रिलेशन ये निकलता है कि आपने अभी पढ़ा था कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर, और आपने ये अभी भी पढ़ा था कि a प्लस ए दोनों का स्क्वायर, और आपने पढ़ा था कि रूट टू ए, ये आपके पास आता है। मैं इसको ऐसे सोल्व कर रहा हूँ केवल टू ए स्क्वायर, और इधर है मेरे पास करण का स्क्वायर। आप थोड़ा सा यहाँ पर आइए, जो नया रिलेशन निकल कर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या आपको इसमें ए स्क्वायर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का मतलब होता है कि वर्ग का क्या है क्षेत्रफल है, तो कहीं ना कहीं मैं विकर्ण देकर वर्ग का क्षेत्रफल वो पूछ सकता है, और उसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आप इस दो को इधर भेज दोगे तो आपके पास आएगा कर्ण का स्क्वायर बटे दो बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, और ये है आपकी आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, जब भी सारी भुजाएं समान होगी और विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, समझ गए, जब भी सारी भुजाएं इसकी समान होगी एक दूसरे को विकर्ण क्रॉस करेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर करते हैं। ये जो मध्य में बनने वाला एंगल कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री, यानी किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं यदि समान है और विकर्ण डाले गए हैं तो विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे हमेशा, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ और आपके तुरंत दिमाग में आएगा, मैंने आपको अभी भी दे दिया कि एक वर्ग है और उसका विकर्ण मान लो कि एक वर्ग है और उसका विकर्ण है वो है 10√2 सेंटीमीटर, ये उसका विकर्ण है। आपको बताना है क्या है दोस्तों, आपको बताना, चलो रूट में रहने तो पहला ही क्वेश्चन है, और आपको बताना क्षेत्रफल। अब बहुत सारे बच्चों का पढ़ावा नहीं होता, उनके दिमाग में सीधा आता है क्या भाई, वो ऐसे बढ़ाएंगे और लिखेंगे कि भाई ये मेरे पास कर्ण दे दिया, अब मेरे को ये निकालना है, फिर अक्सर एक्स स्क्वायर बहुत सारे आएंगे। लेकिन आपने अभी भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण हो तो कैसे निकाला जाता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो आपके पास 10 का स्क्वायर आता है, 100 बटे 2 बराबर आ गया 50, और क्षेत्रफल देखो a इंटू ए दो बार, यानी कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा हुए हैं, तो ये वर्ग जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में आता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझ में आई होंगी। बस ये दो ही चीज़ निकलती है, एक तो आप क्षेत्रफल देख लो, एक परिमिति देख लो, एक ये 90 डिग्री देख लो, एक विकर्ण वाला देख लो, और क्या बचा आपके, जब विकर्ण से क्षेत्रफल पूछा गया हो, बस इतनी सी बात थी और आपने बहुत ही अच्छे से समझ ली। चले सेकंड पॉइंट की ओर, अगर आपको बढ़िया लग रही है क्लास तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसे, सब्सक्राइब करो या न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि पढ़ने वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके। चलो नंबर दो, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, आयत रेक्टेंगल, आयत सेम वर्ग पढ़ा, वही सेम आयत है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है वो ये है दोस्तों कि इसमें भी सारे कोण 90 डिग्री के ही होंगे। सारे कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। सारे कोण 90 डिग्री के होंगे तो आपको छोटी सी बात ये भी पता होनी चाहिए कि वो क्या होगा, कोई ना कोई चतुर्भुज होगा, क्योंकि चार कोण यदि 90 डिग्री के किसी में बनते तो वो एक चतुर्भुज होता है। आयत की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब इसके सूत्र भी कईयों को तो आता ही नहीं कि इसका परिमाप पूछ ले तो यार 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई क्या परिमाप क्या आ गया, क्यों सुनाता तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्यों कन्फ्यूज होते हो भाई, आराम से पढ़ो, इसको पढ़ना कैसे देखो। अभी इधर आए तो मान लो ये मैं लेता हूँ एल, इसकी लंबाई ले ली मैंने एल, आपको पता ये एल होगी तो ये भी क्या होगी एल, क्योंकि आमने सामने की भुजा तो क्या इसके बराबर है, इधर भी आमने सामने की भुजा बराबर, तो मैं इसको b लेता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या होगी b होगी। वही क्षेत्रफल मैंने कहा था, इसका क्षेत्रफल आपको क्या बताना है, क्या बताना दोस्तों इसका क्षेत्रफल,
आपके दिमाग में इसका क्षेत्रफल आएगा तो आप बोलोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग में क्या था, ए इंटू ए, क्योंकि दोनों भुजन एक समान थे, यहाँ पर क्या हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, और आएगा किसमें, वर्ग में आएगा। आगे चलते इसके क्षेत्र परिमाप की बात करते हैं, वही परिमाप परिमिति। इसकी परिमिति क्या होती है, परिमिति भुजाओं का योग। आप भुजाओं का योग कर दो और आप लिखोगे मेरे पास, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ कि पहले L, फिर मेरे पास आया B, फिर मेरे पास वापस L और फिर मेरे पास B, और ये सारे योग में है। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि दो मेरे पास L है प्लस दो ही मेरे पास B है, यही लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। इसके बाद में देखिए आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड नहीं सॉरी, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो आप, दो को बाहर निकाल लेते हो तो अंदर क्या बचता है L प्लस B, और यही आपका क्या होता है परिमाप होता है, दो गुना लंबाई प्लस ए चौड़ाई। ये क्या हो गया, क्योंकि इसको जैसे आप खोलोगे तो दो इंटू एल, दो एल आएगा, फिर दो इंटू बी तो दो बी आ जाएगा, और आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं अभी क्वेश्चन लेकर बता दूंगा, जैसे इन दोनों के क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ। मैंने बोल दिया कि ये भुजा लंबाई आपके पास 10 है और चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, आपको क्षेत्रफल बताना। आप लिखोगे एल इंटू बी 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, ये क्या है क्षेत्रफल सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। आपको बोला कि परिमाप बताओ इसका, इसका परिमाप बताना है आपको, तो आपके दिमाग में आता है कि परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, और आप लिखेंगे 2, यहाँ पे लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 10 + चौड़ाई है इसकी 5, 10 × 5 = 15 होते हैं, 15 को 2 से गुणा करोगे, 15 × 30 सेंटीमीटर, ये क्या है इसका परिमाप है। देखो जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपने सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, इसके बाद में जो क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों मज़ा वहाँ आएगा। वहाँ क्या दिया हुआ आएगा, परिमाप दे दिया, लंबाई चौड़ाई में से एक भुजा दे दी, पूरा क्षेत्रफल दे दिया, फिर बोलेगा इसकी चौड़ाई बताओ, लंबाई बताओ, इसके अंदर टाइलें बिछानी है वो बताओ, फिर इसमें मिक्स क्वेश्चन में यहाँ वृत्त बना देगा और वो उनका क्षेत्रफल बताओ, एक घोड़ा इस कोने पर बांध दिया और वो कितना घास चरेगा, आपको बहुत बड़ा लगता है, बहुत छोटा है दोस्तों ये। अभी चलते हैं आगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमने यहाँ तक का कर लिया, दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें भी हम विकर्ण डाल देते हैं, और यहीं से पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इसके विकर्ण क्या करेंगे भाई, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। ये मैंने विकर्ण बना दिया, फिर ये क्या बन गया, एक कोण 90 का हुआ तो ये समकोण त्रिभुज आपके पास बन जाता है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपको करना ये है, मान लो पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ एक छोटा सा, चलो पहले विकर्ण निकाल लेते हैं इसका। अगर आपको बढ़िया लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हो तो भी भाई आपकी मर्जी, आपका हाथ आपका मोबाइल, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं भी करो, कोई बात नहीं है। मेरा काम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाने का, वो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। देखो ये मैंने मान लिया विकर्ण, आपको विकर्ण ज्ञात करना, मान लो मैंने विकर्ण को यहाँ पर मैं के बोल सकता हूँ दोस्तों, और ये बी और ये आपके पास एल है, ये ई नहीं है, ये एल ही है, ऐसे एल होता है। आपको निकालना विकर्ण, तो आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है, और कर्ण निकालने के लिए आप करते हो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और कर्ण बराबर क्या निकल कर आएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट, ये क्या होता है इसका विकर्ण होता है। अब ये चीज़ें यहाँ आपको पहले से भी आती होगी, लेकिन जब आप घन और घनाभ पढ़ोगे ना आपको बहुत टेंशन होती है कि आगे हम क्या करें, यहाँ पर उसमें एक चीज़ निकालते हैं वो आगे ही बताऊँगा मैं, कोई बात नहीं है। पहले ये बताओ इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, ये समझ में आ गई तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे मान लो मैं ये दे देता हूँ, इसकी लंबाई तो है 4 और इसकी चौड़ाई है 3, आप मेरे को इसका विकर्ण बताओ दोस्तों कितना आएगा। यहाँ मैं जब समकोण त्रिभुज बताऊँगा आपको तब ट्रिपलेट सिखाऊँगा आपको, त्रिक नियम सिखाऊँगा कि यहाँ 3 और 4 आ गया तो दिमाग ही नहीं लगाना दोस्तों, 3 देखा 4 देखा टिका दो यहाँ पर कितना 5। यहाँ पर मान लो मैंने ये दे दिया कि 6 और यहाँ पर दे दिया 8, कितना टिकाओगे दोस्तों, 10 सीधे 10 नहीं निकालना है, 10 सीधे। मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 9
और यहाँ दे दिया 12। अब आपके दिमाग में तो जल्दी से पाइथागोरस लगाओ, 9 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, 144, 9 का 81, ये जोड़ो और वो जोड़ो। नहीं करना आपको, आपको करना कितना, इस क्वेश्चन को देखते से ही कैसा करना है कि अभी मैंने बताया था कि ये 3 का कितना गुना है, 3 गुना, यहाँ 4 था, ये 4 का कितना है, 4 गुना, यहाँ 5 विकर्ण आएगा आपको पता है तो, सॉरी ये भी 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा डायरेक्ट 15। आप कर लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 225, किसका स्क्वायर रूट होता है 55। तो ये चीज़ें आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, अभी के लिए बस इतना ही कि ये 3 और ये 4 विकर्ण बताना है तो आपके दिमाग में सीधा आधा कि 3 का 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों को आप जोड़ देते, आपके पास क्या था 16+9 बराबर कितना था 25 और इसका रूट कितना आ जाता 5। और मैंने वैसे भी बताया था कि 3 और 4 कितना होता है 5। एक समकोण में क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी होता है समकोण, ये चीज़ भी आपको मैं बता ही देता हूँ क्योंकि आगे चतुर्भुज में आपके काम में आने वाली चीज़ें ये। समकोण का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो था 1/2 × आधार × ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं 1/2 आधार कितना आपके पास 4 × ऊंचाई कितनी है 3 है, ये इससे कट जाएगा 2 × 3 × 6 कितनी है दोस्तों 6। ये 6 है, ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये इसका उल्टा भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल मेरे पास 6 आएगा तो इसका क्षेत्रफल भी मेरे पास कितना आएगा 6 और 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से भी आप दोनों चीज़ों का क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बड़ा अगर आपके पास आ जाए उसमें बहुत सारे समकोण बन रहे हो, एक का निकाल लो, सबका निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आपको एक चीज़ मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका वैसे निकालते हैं तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई 4 × 3 कितने होते हैं दोस्तों 12 ही होते हैं। आई होप आपको आयत और वर्ग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, उसके बाद में हम अगला डायग्राम पढ़ेंगे। बस इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला रटना नहीं सीखना, हमने एक बार इसको डिटेल से सीख लिया। एक छोटी सी चीज़ और रह गई इस आयत में, वो भी देख लो। आयत में आपका ये रह गया कि देखो छोटा सा कि जो आयत होता है ना उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है समान नहीं होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको वृत्त में ले जा रहा हूँ। अगर वृत्त में एक वर्ग होता है इस प्रकार से मेरे पास, तो ये वर्ग है 4 भागों में बढ़ता और ये समान 4 भागों में बढ़ता। और ये वृत्त भी देखो अगर मैं इन लाइनों को मिटा दूं तो ये वृत्त भी मेरे पास कितना बनता समान 4 भागों में, और समान 4 भागों में पूरा 360 होता तो ये कितना हो जाता है 90-90 हो जाता है। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा ये चिपका हुआ आ गया, तो यही चीज़ मेरे पास ऐसे बनती। और कईयों की ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ये भी 4 भागों में बट रहा है तो ये भी सारे 90-90 के नहीं है, 90-90 के ये दोनों समान होंगे और ये दोनों समान होंगे। तो यहाँ पर कौन है ना, ये 90 के नहीं बनते हैं, किसमें आयत में भुजाएं अगर असमान है तो कोण भी क्या होंगे असमान होंगे, दो कोण यहाँ मध्य में बराबर होंगे आमने सामने वाले हैं। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं यहाँ बुक से बता देता हूँ, एक सेकेंड दोस्तों आप मुझे कमेंट करके भी बता दो। चलो मैं मन से ही ले लेता हूँ, और मन से मैंने क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे कि किसी आयताकार मैदान को 2 बराबर भागों में बांटा गया, किसी आयताकार मैदान को 2 बराबर भागों में बांटा गया, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पहले उसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर, उसको हमने कितने भागों में बांट दिया 2 समान भागों में, तथा उसकी चौड़ाई मान लो, मैं मान लेता हूँ कि उसकी चौड़ाई वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए प्रत्येक भाग की परिमिति क्या होगी,
प्रत्येक भाग की परिमिति क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। और आप अब देख पाओगे कि आपने क्या बना लिया, आयत बना लिया, और ये 10 और ये कितनी थी, 8 थी। इसको दो समान भागों में बांटा है, दो समान भागों में इसको बांट दिया दोस्तों। तो इसको आप दो समान भागों में ऐसे बांट दो। पहले तो आपने ऐसे बांटा तो आपने ये देखा कि ये कितनी हो गई, 5 हो गई, और ये भी 5 हो गई, क्योंकि ये पूरी कितनी थी, 10 थी। ये 8 है तो ये भी 8 हो गई, ये कितनी हो गई, 5 हो गई। और आज जो छोटा भाग है वो आपके पास ऐसे बनकर आ गया, और इसकी परिमिति आपसे पूछे तो 8 × 16, 5 × 10, सबको जोड़ लो। सूत्र याद है तो आप लिखोगे 2 × लंबाई + चौड़ाई। 2 × लंबाई कितनी है, 8 + 5 बराबर कितने होते हैं ये, 13 × 2, 8 × 5 = 13, 26। आप जोड़ोगे 8 × 16, 5 × 10, 26 ही होते हैं, ये क्या आ गई, 26। लेकिन थोड़ा सा डाउट ये होता है कि नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं, इसको मैं इस प्रकार से काटता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से काटता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये मेरे पास 4 और ये मेरे पास 4 बन जाती है, ये मेरे पास 4 और ये मेरे पास 4 बन जाती है। ये तो मेरी 10 की 10 ही रहेगी ना, ये 10 है तो ये भी क्या रहेगी, 10 रहेगी। और अब आप लोग देखते हो कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, 10। अब एक छोटा आयत ये बन गया आपके पास, ये है आपकी 4 और ये है आपकी 4, ये है आपकी 10 और ये है आपकी 10। और सभी भुजाओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जैसे 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो 10 × 4, सॉरी प्लस बीच में, 10 और 4 कितने हुए, 14, और इंटू 2 कितना हुआ, 28। ये मैंने आपको दोनों चीज़ क्यों बताई, दो समान भागों में हमने काटा, इसको बराबर भागों में काट दिया, दो बराबर भागों में इसको काट दिया, और हमारे पास थोड़ा सा अलग अलग ये निकल कर आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, और वो क्या है, एग्ज़ाम में यहाँ आपको एक लाइन और बोलेगा वो, और वो बोलेगा कि अधिकतम परिधि कितनी हो सकती है, अधिकतम परिधि। और अधिकतम परिधि अगर आपको बतानी है दोस्तों, तो अधिकतम परिधि इससे आ रही है, इससे, तो आपके दिमाग में जल्दी से ऐसे क्रॉस करना चाहिए, और ये 8 है तो ये भी 8, जल्दी से चारों को जोड़ लो, या ऐसे लाइन डालकर जल्दी से चारों को जोड़ लो, जो ज़्यादा आ रही है वो परिधि आपकी क्या होगी, सही होगी दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको आते ही है, इस बार मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं, इस बार मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, और दोनों तीनों क्वेश्चन ही मैं यहाँ से जो बनते हैं वो करवा ही देता हूँ। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ किसी आयत के क्षेत्रफल में, किसी आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि की जाती है, तथा क्षेत्रफल में नहीं उसकी चौड़ाई में, तथा उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर 100 बनाते हैं, 200 बनाते हैं, फिर उसका क्षेत्रफल मानते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी, मैं 10 को संख्या में बनाऊंगा, और कैसे बनाना है, 10/(%/100), और आपको पता है आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आपके पास पहले भुजाई नहीं थी, लेकिन अभी क्षेत्रफल में कमी बढ़ दी, आप बता सकते हो कैसे भाई, इसको मैं काटूंगा तो आप बोल सकते हो कि जो उसकी क्या थी, चौड़ाई, उसकी चौड़ाई पहले 10 थी, और 10 से मेरे पास अब बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई, मतलब मेरे पास जो चौड़ाई थी पहले 10 थी और अब कितनी हो गई, 10/1 = 10% का मतलब, और मेरे पास कितनी हो गई, 11 हो गई। और आपको पता है ये क्या, उसकी चौड़ाई इंटू लंबाई, यही क्षेत्रफल होता है। मैं बोल दूंगा इस बार लंबाई, और मैं बोलूँगा लंबाई भी 5% बढ़ गई दोस्तों। यहाँ मान लो कमी होती तो आप 10 की जगह 9 कर देते, 10 पर कितनी कमी, 1 की, तो आपके पास 9 आ जाता। आपने यहाँ पे क्या लिखा कि आपकी लंबाई में क्या हो गई, 5% की वृद्धि हो गई, तो आपने लिखा 5/100, और इसको छोटा करोगे तो आएगा 1/20,
यानी कि कहीं ना कहीं आपकी लंबाई 20 थी, उस पर कितनी बढ़ गई, वो 1 बढ़ गई। और दोस्तों हो गई कितनी, 21 हो गई। कितनी हो गई, 21। यहाँ मान लो मेरे पास कितनी हो गई, 21 थी, कितनी 20, 20 से मेरे पास कितनी हो गई दोस्तों, 21 हो गई। आपने यहाँ से सीखा है वृद्धि होती है, तो 20 पर 1 की वृद्धि, कमी हुई तो 20 पर 1 की कमी, 19। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये भी गुणा होंगे, और आप लिख सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। यहाँ एरिया क्या है, 20 इंटू 10, तो 200। और यहाँ आप 21 को 11 से गुणा करोगे, तो 11 एकम 11 हासिल आ गई, 11 दूनी 22 और 1 23। और आपके दिमाग में सीधा ये आया कि 200 पर मेरे पास कितनी वृद्धि हो गई, 31 की वृद्धि हुई। डिफरेंस कितना, 200 से कितना हो गया, 231 हुआ तो 200 पर ही ना, तो 200 पर इंटू 100, 20 से 20, आप बोल सकते हो 31/2% आपके पास क्या हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगर मान लो यही कमी वाला होता तो मैं यही बता देता हूँ आपको, कमी करनी है तो 10 पे 1 की कमी होती और 10 से कितना हो जाता, वो 9 हो जाता। यहाँ मान लो वृद्धि हो रही तो 20 से 21, अगर यहाँ भी कमी होती तो यहाँ पर कितना हो जाता दोस्तों, वो कितना होता, 20 से 19 हो जाता। बस इतना सा सिस्टम है, कितना बढ़ता घटता गुणा कर दो और आपस में देख लो बस। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। सेकेंड क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा त्रिभुज, एक ही क्लास में सारे त्रिभुज हो जाएंगे, और चतुर्भुज, पहले चतुर्भुज पढ़ाएंगे फिर त्रिभुज आपको मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद में वृत्त पढ़ेंगे, उसके बाद में जितने भी मिक्स क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।